पांच अंतर्गत क्षेत्र में ये घटना 19/4/2017 को हुई थी कि एक लड़के कक्षा 5 में पढ़ती थी, शाम को 7 बजे बाथरूम नहा रही थी। उसी समय उसे गांव का एक 22 वर्ष का युवक आया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब चिल्लाई तो उसके माँ बाप भी उपस्थित आ गए और मौके पर ही अभियुक्त को पकड़ लिया गया। फिर अभियुक्त को पकड़कर थाने ले गए, साथ में गांव वाले भी गए थे। वहां पर तहरीर दिया पीड़िता के पिता ने कि ऐसे ऐसी घटना हुई है और मौके पकड़ कर ले आए हैं, जिस पर एफ आई आर दर्ज हुई। बाद में दौरान साक्ष जब ट्रायल शुरू हुआ तो पिता मुकर गया और उसने घटना को साबित नहीं किया और पसदोही हो गया था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि पीड़िता साहब बलात्कार हुआ है और मौके पर ही पकड़ा गया है, जीडी में दर्ज है। इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषित किया और उसको 10 वर्ष की कारावास सजा सुनाई गई और जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को देने के लिए आदेश हुआ है और पीड़िता के पिता को मिथ्या साथ देने के लिए धारा 340 CRPC कार्रवाई के आदेश दिया गया है और उसको नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा जुर्माना और सजा भी कर सकते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम तीरथ सिंह, एडवोकेट ADGC फौजदारी कोषांग।